गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माई सेल भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, सोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों हमारा चैप्टर जो चल रहा था सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके वेपर प्रेशर क्या, आज हम उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड एट सरफेस ऑफ लिक्विड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। यानी सर्टेन टेम्परेचर पर, किस पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में यानी साम्यावस्था में जो वेपर होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो लिक्विड ऑफ लिक्विड बाय सरफेस ऑफ लिक्विड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर, यानी जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा जो लिक्विड का जो सरफेस है, जो लिक्विड का जो सरफेस है उस पर प्रोड्यूस जो प्रेशर है वो क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर होता है। एक बार फिर समझेंगे, ठीक है। एक क्या निश्चित तापमान पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा, उनके थ्रू जो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। वो क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर होता है। समझ गए। अब देखें आगे, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली इन ओपन कंटेनर। जो प्रोसेस होता है ना इवेपोरेशन का, वाष्पीकरण का, वो होता रहता है कंटिन्यूसली। वो होता रहता है क्या, कंटिन्यूसली, किसमें, ओपन कंटेनर में। जो अब आपका कंटेनर क्या है, ओपन है, तो जो आपका इवेपोरेशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, ठीक है। जो भी आपका सब्सटेंस है वो वेपराइज होकर ऊपर चलता जाएगा अगर आपका कंटेनर ओपन है तो। बट इन क्लोज्ड कंटेनर, लेकिन अगर कंटेनर क्या हो बेटा, क्लोज टू, कंटेनर क्या हो, क्लोज टू, द प्रॉपर्टीज इन वेपर कोलैप्स बैक टू लिक्विड सरफेस, सॉरी, जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स इन वेपर कोलैप्स बैक टू लिक्विड सरफेस। जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंस आपने वेपराइज करने के लिए रखा है, एवेपोरेशन करने के लिए रखा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में, वेपर के टाइम क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, और वापस आ जाते हैं टकरा कर। जो कंटेनर अगर क्लोज रहेगा तो टकरा कर कंटेनर से क्या आएंगे, वापस आ जाएंगे। जो पार्टिकल्स हैं कहां जाते हैं, लिक्विड सरफेस पर, ड्यू टू विच कंडेंसेशन स्टार्ट्स, और वहीं से क्या हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आपका कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, टकराएंगे कंटेनर के अंदर, और टकरा कर वापिस लिक्विड सरफेस पर आ जाएंगे, और लिक्विड सरफेस पर आने पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू ऑपोजिट रिएक्शन। जो इवेपोरेशन होती है और कंडेंसेशन होती है वो टू ऑपोजिट रिएक्शन होती है। इवेपोरेशन आप जानते ही है, कोई भी सब्सटेंस वाष्पित होकर जब हवा में उड़ जाता है तो इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है, मतलब एवोपरेशन का मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड या लिक्विड से किसमें चेंज हो जाए, या तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए, गैस में, या लिक्विड से चेंज हो जाए किसमें, गैस में, ठीक है, तो वो क्या होगा, एवोपरेशन। वो क्या होगा, यानी मेनली तो इसको यूं कहते हैं कि अगर ये लिक्विड से कोई आपका सब्सटेंस गैस में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कोई गैस आपकी किस में चेंज हो रही है,
लिक्विड में चेंज हो रही है, किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड में, तो वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो एवोपरेशन और कंडेंसेशन दो ऑपोजिट रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। सो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इन देम आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम के बाद इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते, आगे देखें। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, अब देखो जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड के सरफेस पर, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके थ्रू लगने वाला जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड के सरफेस पर, उसको कुछ प्रेशर, उसको जो कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। वो क्या फैक्टर है, देखो नेचर ऑफ लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड का नेचर, सबसे पहले लिक्विड का नेचर, भाई लिक्विड कैसा है। द लिक्विड इन विच वीक इंटरमोलिक्यूलर, लिक्विड जिसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो लिक्विड आर प्रेजेंट इस हाई वेपर प्रेशर। उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। अगर आपने जो लिक्विड लिया है वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो क्या होते हैं, हाई वेपर प्रेशर वाले होते हैं। क्या होते हैं, हाई वेपर प्रेशर वाले होते हैं। बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन कम इन वेपर, क्योंकि देखो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वीक होगा, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो क्या करेंगे, वेपर स्टेट में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्लियर है। आफ्टर लिविंग सरफेस ऑफ लिक्विड, और लिक्विड का सरफेस छोड़ने के बाद, दैट्स वाई द वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल इज रिलेटिवली हायर देन इथाइल एल्कोहल। इसी कारण जो वेपर प्रेशर होता है ना डाई इथाइल इथर का, वो रिलेटिवली हायर होता है, रिलेटिवली हायर होता है किससे, इथाइल एल्कोहल से। क्योंकि डाई इथाइल इथर में क्या होता है बेटा, जो डाई इथाइल इथर होता है, जो डाई इथाइल इथर होता है, वो डाई इथाइल जो इथर होता है, उस डाई इथाइल इथर में क्या होता है कि जो इसके अंदर जो लिक्विड जो पार्ट है उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, इथाइल एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्लियर है। जब हम इसको क्या करेंगे, लिक्विड में सोल्यूबल करेंगे, तब की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे टेम्परेचर। देखो अब जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर पे, ये भी देखेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा लिक्विड का, वो इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। देखो पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूं आपको। एंड मोर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट आफ्टर लिविंग लिक्विड सरफेस, और ज्यादा जो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेपर में, किसमें, वेपर में, वेपर स्टेट में आफ्टर लिविंग लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस को छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो वापस समझना इस चीज को, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी
तो उसके अंदर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसको छोड़कर, लिक्विड के सरफेस को छोड़कर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अभी अपन ने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में हम पढ़ रहे हैं अब पहला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट डाला जाएगा, जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड ही सॉल्यूट डाला जाएगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? देखें, देखिए आगे, when solution of a liquid, when देखें, when solution of a liquid solute, जब किसी liquid solute, यानी solute कैसा हो आपका, liquid, is formed in a liquid solvent, जब ये form किया जाता है liquid solvent में, मतलब जब solution है, कोई solution है, ठीक है, उसके अंदर आपने solute भी क्या ले लिया, liquid ले लिया, और solvent भी क्या ले लिया, liquid ले लिया, तो जब ऐसा solution बन रहा है, then both components in solution are volatile, तो ये दोनों component ही क्या है, volatile है। volatile का मतलब ये किसमें convert हो सकते हैं, जल्दी से जल्दी vapor में convert हो सकते हैं, so there is contribution। अच्छा, volatile और non volatile क्या होता है, volatile मतलब ऐसे component जो जल्दी से जल्दी किसमें convert हो जाएं, vapor में convert हो जाएं, वो volatile होते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट आसानी से नहीं होते हैं। क्लियर है? देखिए, तो बोथ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन आर वोलेटाइल, दोनों कंपोनेंट ही क्या है, वोलेटाइल है, सीधी सी बात है, लिक्विड है तो वेपराइज जल्दी होगा। सो देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें इन दोनों ही कंपोनेंट्स का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। उसका जो वेपर प्रेशर है उसमें दोनों ही जो आपके कंपोनेंट है उनका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, दो वोलेटाइल कंपोनेंट ले रहे हैं ए और बी, दो वोलेटाइल कंपोनेंट ले रहे हैं ए एंड बी, आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, द पार्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और इनका पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किससे शो करेंगे, पी एंड पी बी से शो करेंगे, ए के लिए पी ए और बी के लिए पी बी हो जाएगा respectively, and vapor pressure of solution Vp, तो और vapor pressure क्या है solution का, Vp है, इसको P से show करेंगे, तो solution का जो vapor pressure है P, वो किसके equal हो जाएगा, जो partial vapor pressure है A का plus partial vapor pressure है B का, उसके sum के equal हो जाएगा। clear है? अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड
लिक्विड सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी अब आपका जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, सॉलिड, और आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड। अब देखो मैंने बोला जो वेपर में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगा है वो कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होता है। तो जब भी कोई भी सॉलिड होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे, ठीक है। इज मिक्स्ड विद अ सॉल्वेंट, जब इसको सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट कैसा, लिक्विड, बाय हीटिंग देन द वेपर प्रेशर, बाय हीटिंग। अब जब इसको हीट करेंगे हम, क्या करेंगे, हीट करेंगे, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तब जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का, लेसर देन सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी ये जो सॉल्यूशन बना है जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर की लोअरिंग, वेपर प्रेशर का घटना, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नोड, अगर आप वेपर प्रेशर किसी भी प्योर सॉल्वेंट, आपका अगर कोई सॉल्वेंट प्योर है तो उसके वेपर प्रेशर को आप किससे शो करेंगे, पी नोड से शो करेंगे। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर जो नॉर्मल जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को तो आप किससे शो कर रहे हैं, पी से, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को आप शो कर रहे हैं पी नोड से। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसमें से आप माइनस करेंगे किसको, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, तो जो वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग है, कमी है, वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस, इसको इस प्रकार देखो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रीजन, कहने का मतलब लोअरिंग क्यों होती है इसकी, वेपर प्रेशर की। देखो इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, ठीक है। ये क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि किसी भी लिक्विड सरफेस से क्या हो रहा है, जो आपके मॉलिक्यूल है सॉलिड की या लिक्विड के, वो क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। तो जो इवोपरेशन है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। इन विच अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिनमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट चेंज इनटू वेपर्स, वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। वो किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा, वेपर्स में, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, वहां पहले शायद मैंने आपको जो कंडेंसेशन और इवोपरेशन के बारे में बताया, उसमें शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, लेकिन मैं यहाँ पे वो मिस्टेक सही करवा देता हूं, है ना। इवोपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, क्या होता है, वाष्पीकरण, क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण। इवोपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, मतलब कोई भी लिक्विड आपका क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए हीट अप्लाई करने पर, यानी वो वाष्पित हो जाए लिक्विड, तो उसको बोलेंगे हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, क्या होता है, संघनन। यानी कोई भी आपकी गैस है, कोई भी आपकी गैस है, उसको उसका टेम्परेचर घटा दिया जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, किसमें, लिक्विड में, तो उसे आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्लियर है, तो वहां शायद थोड़ा सा गलत बता दिया होगा मैंने,
लेकिन अब मैंने सही करा दिया, एवोपरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। क्लियर है? वहां थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई थी, देखें आगे। अब जो बात चल रही थी अपनी वो करते हैं। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवोपरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है इन विच अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट चेंज, जिनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्वेंट के वो चेंज होते हैं किसमें? वेपर में। किसमें? वेपर में। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, किससे? लिक्विड के सरफेस से। जो लिक्विड के सरफेस से जो है, लिक्विड के सरफेस से जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो जाता है किसमें? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं किसमें? वेपर में। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन एक क्या है? सरफेस फिनोमेना है। तो जो सॉल्वेंट है आपका वो लिक्विड से किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में। इवेपोरेशन होगा तो, क्योंकि इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से किसमें चेंज होना? वेपर या गैस में चेंज होना, यही बताया मैंने। वाष्पीकरण। When a non-volatile solute is added, जब एक non-volatile solute add करेंगे, in is added in a solvent, जब एक non-volatile solute add करेंगे solvent में, then some space at surface taken place, तो जो कुछ space होगा surface पर, जो कुछ स्पेस होगा सरफेस पर वो ले लिया जाएगा किसके द्वारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कुछ सरफेस पर कुछ स्पेस को ले लेंगे, ड्यू टू विच, और इसी कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के एट सरफेस, सरफेस पर वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से, और इसी रीजन की वजह से द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हेंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक प्लेस, और इसलिए क्या होता है? लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर की। देखो मेरी बात सुनो, अभी आपका ये क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या ये प्योर सॉल्वेंट? क्या ये प्योर सॉल्वेंट? अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है, अब ये प्योर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने लिक्विड में लिक्विड ही डाला है, लिक्विड में लिक्विड ही डाला है, तो इसका वेपराइजन, वेपराइजेशन आसानी से हो जाएगा। या हम कहें केवल हम के ले रहे प्योर सॉल्वेंट एज लिक्विड, तो उसका वेपराइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसे रोकने वाला और कोई नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें क्या डाल देंगे सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम इसमें डाल देंगे क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉलिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? सॉलिड डाल देंगे। तो देखो सॉलिड डालने से क्या होगा, सॉलिड डालने से क्या होगा, ये जो ब्लू ब्लू में बना रहा हूं ये तो आपके शो करेंगे किसके पार्टिकल्स को? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। लेकिन यहां पे आपके किसके? नॉन वोलेटाइल जो आपने सॉल्यूट लिया है, नॉन वोलेटाइल जो आपने सॉल्यूट लिया है, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे, इसके सरफेस पर आ जाएंगे। तो क्या होगा? तो आपका जो लिक्विड है उसका वेपराइजेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो जो सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जो है मतलब जो वेपर किसका, सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डाला है? सॉल्वेंट के अंदर आपने डाला है सॉल्यूट, तो क्या बना? सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है, अब जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का क्या होगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा।
तो ये लॉरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर की, किसकी, सॉल्यूशन की, जब उसमें हम क्या डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, सॉलिड डालने से क्या होगा, जो आपका जो लिक्विड है उसके सरफेस पर क्या आ जाएंगे, उसके सरफेस पर जो आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो आ जाएंगे बीच बीच में, तो इनका रास्ता रुक जाएगा। तो जो आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसका वेपराइजेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ज्यादा किसका होगा फिर भाई, ज्यादा से ज्यादा आपके सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फिर इस कंडीशन में, क्योंकि सॉल्वेंट ही आपका ज्यादा वेपराइज हो रहा था नहीं हो रहा था। तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर, किसका, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, ठीक है। तो लॉरिंग होगी वेपर प्रेशर की जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से उसका वेपराइजेशन आसानी से नहीं होगा। जो आपका लिक्विड है उसके सरफेस पर कौन आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे, जिससे उसका वेपराइजेशन आसानी से नहीं होगा लिक्विड का, और उसका जो वेपर प्रेशर है वो घटेगा। और इसके कंपैरिजन में जो आपका प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उस प्योर सॉल्वेंट, उस लिक्विड का आसानी से वेपराइजेशन हो रहा था। तो इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है पी नोड वो ज्यादा होगा, और आपका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पी वो कम हो जाएगा, यानी उसकी लॉरिंग हो जाएगी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की। तो ये वेपर प्रेशर की लॉरिंग कहेंगे इसको, जब प्योर सॉल्वेंट से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल से युक्त, प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल युक्त सॉल्वेंट की ओर, यानी सॉल्यूशन की ओर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये आपका खत्म होता है वेपर प्रेशर टॉपिक एक तरीके से तो, लेकिन अब इससे रिलेटेड एक लो है, राउल्ट्स लो। क्या राउल्ट्स लो, राउल्ट्स लो के बारे में अब हम बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखें, राउल्ट्स लो क्या होता है, ठीक है। इस राउल्ट्स लो को समझना बहुत जरूरी है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी है राउल्ट्स लो। और अगर मैं कहूं तो आपकी जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होती है बेटा। मतलब जो आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना वो मेनली इस राउल्ट्स लो टॉपिक से स्टार्ट होता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। राउल्ट्स लो क्या होता है बेटा, राउल्ट्स लो फ्रेंच केमिस्ट थे एफएम राउल्ट, उनके नाम पर ये राउल्ट लो पड़ा है, उन्होंने ही दिया था राउल्ट लो, ठीक है। तो राउल्ट्स लो, फ्रेंच केमिस्ट एफएम राउल्ट स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया, जो लॉरिंग है वेपर प्रेशर की, जो वेपर प्रेशर की लॉरिंग है और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, उसके बीच इन्होंने क्या किया, रिलेशन दिया। उसके बीच इन्होंने क्या किया, रिलेशन दिया। क्या रिलेशन था उसके बारे में हम देखेंगे। राउल्ट्स लो फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट का लो एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो कंटेन करता है किसको, वोलेटाइल सॉल्यूट को, वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करेगा जब ये, तो क्या वेपर प्रेशर
और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन के बीच क्या रिलेशनशिप होगा वो देखेंगे हम। द पार्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, जो पार्टिकल वेपर प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो कि प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर एट अ सर्टेन टेम्परेचर पर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो जो पार्टिकल वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, मेरे मुंह से बार बार पार्टिकल निकल जाता है क्योंकि इसमें पार्टिकल वर्ड भी आ रहा है और पार्शियल भी आ रहा है ना। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर एट अ सर्टेन टेम्परेचर पर वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का तो वो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। वो इक्वल होगा किसके प्रोडक्ट ऑफ दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट है उसका प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसकी जो कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोडक्ट के क्या होगा ये इक्वल होगा। दोबारा इसको सुनना और समझना। देखो इन्होंने क्या कहा कि जब भी किसी वोलेटाइल कंपोनेंट को जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के आपका वोलेटाइल है तो उस कंडीशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वोलेटाइल कंपोनेंट का तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा यानी उस कंपोनेंट की जो प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पी नोड एंड जो उसका जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट की उसके मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं। सपोज टू वोलेटाइल कंपोनेंट, मानो कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट है ए एंड बी, है ना, ए एंड बी दो वोलेटाइल कंपोनेंट है आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। पार्शियल प्रेशर इन दैट सॉल्यूशन इज पी एंड पी बी, तो उनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा पी एंड पी बी, ए के लिए पी ए और बी के लिए पी बी रेस्पेक्टिवली। देयर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट्स आर पी नोड ए पी नोड बी, तो पी नोड से शो कर रहे थे अपन प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर को, तो ए के लिए पी नोड ए बी के लिए पी नोड बी हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। एंड देयर मॉलिक्यूल फ्रैक्शन काई ए, देखो मैंने पहले भी बोला था, शायद बताया था आप लोगों को, एक मोल फ्रैक्शन एक्स नहीं होता, वो एक्स जैसा सिंबल होता है, तो काई ए एंड काई बी, काई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ए के लिए मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगी, बी के लिए मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। तो जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन
नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन जो मोल फ्रैक्शन है वो किससे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट के लिए आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स के नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके मोल्स के नंबर का सम। तो इसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट है, तो आप ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ए के मोल्स अपॉन ए और बी दोनों के मोल्स, यानी सॉल्यूशन के मोल्स। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी के लिए निकालेंगे अगर आप, तो बी के मोल्स के नंबर अपॉन ए और बी, यानी टोटल सॉल्यूशन के मोल्स के नंबर। क्लियर है? देन अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें ए कंपोनेंट के लिए, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ए के प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा कि नहीं होगा, जहां पी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पी नोड ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, और का ये आपका मोल फ्रैक्शन है ए का, और इसी तरीके से पी बी आपका क्या हो जाएगा, पी बी नोड, जो बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, बी के प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन, और उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो पी बी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और पी बी नोड क्या है आपका, और पी बी नोड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट, और काई बी आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, तब वेपर प्रेशर देखो सॉल्यूशन का क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए का वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर का सम होगा, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 5 दे देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड पी बी फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 में से, देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में से, इक्वेशन 3 एंड 4 में से जब हम इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड पी बी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5, क्या हो जाएगा आपका, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, पी ए की जगह पी ए नोड काई ए और पी बी की जगह पी बी नोड काई बी हो जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, तो काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये लाइन कट हो जाएगी, एक्स्ट्रा लाइन है, ये बाद में आ रही है। अब देखो आप P इक्वल टू पी ए नोड, ठीक है, P इसको देखे पी ए नोड काई ए की जगह आपने रखा 1 माइनस काई बी, ठीक है, प्लस पी बी नोड एक्स बी। क्लियर है? तो हमने केवल काई ए की जगह 1 माइनस काई ए की जगह 1 माइनस काई बी रख दिया। क्लियर है? इस लाइन को काट देना बेटा, है ना। अब देखो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे हम, तो देखो आप इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, चलो, तो इसमें देखें आप P इक्वल टू पी ए नोड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी ए नोड काई बी, ठीक है, प्लस पी बी नोड काई बी, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है। P इक्वल टू पी ए नोड, अब इसमें से देखो ये पी ए नोड आ गया आपका यहाँ पे, और इसमें से इसमें भी काई भी प्रेजेंट है और इसमें भी काई भी प्रेजेंट है, तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे, तो पी बी नोड माइनस पी ए नोड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन 8 आ जाएगी आपकी, जहां पी वेहर पी
जहां पी क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी एनोड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, पी बी नोड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, का ही आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, काई भी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। राउल्ट स्लो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसी अभी अपन ने पढ़ा था वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कंटेन करने वाला जो सॉल्यूशन है उसके लिए राउल्ट स्लो के बारे में पढ़ा। अब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करता हुआ जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम राउल्ट स्लो को पढ़ेंगे, क्लियर है? तो देखें बेटा आगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें हम क्या ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं, किसमें हम क्या ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी बी मान रहे हैं उसको, ठीक है? जो और ए आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, तो बी कोई आप ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे निकलेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर वो इक्वल होगा किसके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। अब इस लाइन को ढंग से समझना, ये थोड़ी सी कठिन लाइन लिखी हुई है लेकिन इसको यहां पे देखो बिल्कुल समझाया हुआ है, ठीक है? मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो राउल्ट साहब है उनका कहना है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन किए हुए सॉल्यूशन के लिए, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है, जिसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वोलेटाइल सॉल्वेंट ए का उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? यानी पी इक्वल टू पी ए होगा, क्या होगा, पी इक्वल टू पी ए हो जाएगा, पी इक्वल टू पी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, रीजन बिकॉज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि यहां पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या है, नेग्लिजिबल। पीबी को क्या मान रखा है, नेग्लिजिबल। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा पी इक्वल टू पी ए प्लस बीबी, तो पीबी को आप नेग्लिजिबल मानेंगे तो पी इक्वल टू पी हो जाएगा। क्लियर है? अरे कुछ हाँ ना यस गुड मॉर्निंग भी बोला करें कमेंट बॉक्स में। गुड इवनिंग बेटा अनिशा, गुड इवनिंग। आपको आपके कमेंट का जवाब थोड़ी देर से लेकिन मिलेगा जरूर, है ना? तो अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएं। आगे बढ़े। बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, देखो जो सॉल्यूट है आपका वो नॉन वोलेटाइल है, वो क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। देयरफॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज नेग्लिजिबल। जो आपका सॉल्यूट है ना बेटा वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और इसीलिए ही जो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी का, पार्शियल वेपर प्रेशर है बी का वो क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल। इसलिए आपका पी इक्वल टू पी हो जाएगा। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट ए यानी सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो पी ए हम यहां पे यूज कर रहे हैं भाई, जब तक अपन ने पढ़ा ने, तो ए का जो प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी ए नोड है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है?
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नोड बिकॉज काई ए इज लेस देन वन। देखो जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का पी ए, पी ए वो इस जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का पी ए नोड, उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, बिकॉज काई ए इज लेस देन वन, क्योंकि जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, वन से कम है, वो क्या है, वन से कम है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन टू वेपर प्रेशर, दो वेपर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और सिंपल जो आपका वेपर प्रेशर है उसके बीच जो डिफरेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो काई ए वन माइनस काई भी होता है बिकॉज, तो देखो सो ये बिकॉज का साइन है, ये सो का साइन है ना। सो मैक्स में यूज होता है, हालांकि मैं यहां लगा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, बिकॉज सो बिकॉज काई इक्वल टू वन माइनस काई बी, सो पी ए इक्वल टू पी ए, देखो यहां पे पी ए इक्वल टू पी ए नोड और काई ए की जगह रख देंगे वन माइनस काई बी, इससे आपका आ जाएगा काई ए इक्वल टू, हाँ लिखा हुआ है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन होता है ना, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन होता है, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन, यानी काई ए प्लस काई बी, देखो अभी समझाता हूं मैं आपको, काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का सम क्या रहता है, इक्वल रहता है किसके, वन के, तो इससे अगर आप काई ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, वन माइनस काई बी आएगी। जो आप इस इक्वेशन वन में रखेंगे तो पी ए इक्वल टू पी ए नोड, काई ए की जगह वन माइनस काई बी हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नोड। ठीक है, माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पी ए नोड को वन से तो पी ए नोड, और पी ए नोड को काई बी से तो पी ए नोड काई बी माइनस का, तो पी ए नोड काई बी, पी ए नोड काई बी इक्वल टू पी ए नोड माइनस पी ए, भाई पी ए नोड काई बी इधर ले आएंगे, पी ए नोड है सही, पी ए को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो काई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए नोड नीचे आते ही पी ए नोड माइनस पी अपॉन पी ए नोड, वेयर पी ए नोड माइनस पी अपॉन पी ए नोड इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है कि नहीं है, और किसकी है, अरे सॉल्यूट की, किसकी, सॉल्यूट की। तो इसीलिए भैया रॉल्ट्स लो, रॉल्ट्स लो, रॉल्ट्स लो, अंग्रेज भी पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं कि नहीं, रॉल्ट्स लो। तो जो रॉल्ट्स लो है उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही तो है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही तो है। तो ये जो है सॉल्यूशन का, जिसमें हमने क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, वो क्या है आपका, इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो ये जो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है,
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो किसके इक्वल होता है, जो आपका सॉल्यूट लिया था, आपने सॉल्यूट बी लिया था, उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पर, रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। एक आइडियल सॉल्यूशन ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल दोनों ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, थोड़े से तो टाइम लगेगा इनको पढ़ने में। तो अब इनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, और बच्चों पढ़ते रहें, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाएं, और कोई डाउट क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।